काम पे लगा दिया मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा ब्लॉग में कि मैं चांदशावली जाकर आई, बहुत खुश थी। तो घर आई, घर आने के बाद मस्त एकदम मेरा माइंड फ्रेश था, तो मैंने चाय वाय बनाई, चाय पी। तो उसके बाद में मैं ऐसी साड़ी पहनी थी ना, अभी जस्ट मैंने शाम को साड़ी चेंज करी हूँ, ऐसी मेरे यहाँ पड़ी और मुझे नींद, आज बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे मतलब बेडरूम में लेटी और मुझे नींद लग गई। तो मोस्टली मैं अभी बेडरूम में बहुत कम आती थी, बच्चे ही सोते अभी इधर। तो फिर मुझे आके दोनों ने बोला ऐसे आज पहली बार है ना दोनों एक साथ मेरे गले पे आए पीछे से। बोले मम्मी एक बात बोले आपको, मैंने बोला क्या? तो बोले हम लोग की एक बात मानेंगे आप? मैं बोली हाँ बोलो क्या बात है? तो बोले मैंने पहले तो ये बोला कि मैंने आज तक कभी आपकी बात टाली है। तो बोले नहीं मम्मी ऐसी नहीं, लेकिन हम लोग आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो आप करोगे? मैंने बोला पहले बताओ। तो बोले नहीं फिर आप नहीं बोलेंगे। तो मैंने बोला नहीं पहले बताओ। तो फिर अमीन बोलता भाई भाई तू बता, ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे को इंसिस्ट कर रहे थे। तो मैंने बताना है बताओ, नहीं बताना तो जाओ इधर से, मैं बोली। तो बोले नहीं मम्मी। फिर अमीन क्या बोलता है आपको पता है ना मम्मी भाई का इंस्टाग्राम पे ट्रैवल्स का पेज चलता है? मैं बोली हाँ पता है। बोली कुछ अच्छा कुछ अरेंज किया क्या, कुछ अच्छा ऑर्डर आया भाई को? बोले नहीं भाई ने ना आपके लिए कहीं सरप्राइज़ रखा है। बोली क्या? तो बोले हम लोग आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, आप चलोगे? मैंने बोला आप लोग बोलोगे ना तो मैं तो आग बंद करके पट्टी बांध कर भी बोलोगे ना कि मम्मी चलो और नीचे आग होगी मुझे नहीं पता होगा तो भी मैं आपके पीछे चल पड़ूंगी। अब बताओ क्या है? थोड़ा गुस्सा करी, बताना बताना तो मैं नहीं सुनने का, मेरे को कंटाल आ रहा, इतनी पंचायत मत करो, ये मैंने बोला। तो भी बोले मम्मी हम लोग ने ना कुछ प्लान किया आपके साथ, क्योंकि आप इतने दिनों से ये सब ऐसे ही टेंशन में, हम लोग को अच्छा नहीं लगता था आपको कुछ बोलने, बट लेकिन हम लोग को आपको देख के ऐसा डर लगने लगा था कि मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा, हम लोग का क्या होगा। बट लेकिन आज आप चांदशावली जाकर आए और आपका दिल दिमाग और इतना आप खुश थे ना मम्मी, तो आज हम लोग को अच्छा लगा बहुत। तो हम लोगों ने आपके लिए एक प्लान किया है। तो मैंने बोला क्या? तो बोले हम आपको ना एक दिन के लिए लेके जाएंगे, जब हम अच्छा कमाने लगेंगे ना मम्मी तो आपको इंटरनेशनल पे जगह पे लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला बेटा ये भी अगर एक दिन आप अपने से लेके जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना सोचते हैं। तो बोले फिर आप रेडी हो ना? मैं बोली हाँ। तो बोले फिर चलो जल्दी से बैग रेडी करो। तो मैं बोली मैं मेरा करूँगी तुम अपना करना। तो बोलते नहीं हम लोग का भी आप ही करोगे, हम लोग का कौन करेगा? ऐसे मतलब लड़ रहे थे ये लोग, मैं तो बड़े नरमी से बता रही हूँ आपको, ये लड़ रहे थे दोनों। मैंने बोला मैं मेरा करूँगी तुम तुम्हारा करो, अब तुम तो छोटे थोड़ी रह गए हो। तो बोले नहीं नहीं आपको ही करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है आज सब। तो फिर मैंने जस्ट अभी ये लोग अभी तक घर पे नहीं आए थे, 1:15 बजाय पता नहीं क्या तैयारी, वो गाड़ी की चाबी लेकर गए और वो क्या क्या पता नहीं, वो उसको टायर वाले को फ़ोन किए, फिर उसको अली को बोलता भाई तू जा पेट्रोल पंप पे डीजल भरा के ला। तो मैंने बोला बाप रे इतना कौन सा तुम लोगों ने अरेंज किया है, क्योंकि हर बार तो मैं ही सब करते रहती हूँ, इन लोगों को चिल्ला तू जाओ पेट्रोल भरा के लाओ, ये लो पैसा, ये लो ये करो। पर इस बार तो भाई बहुत एकदम सरप्राइज़ है, और अल्लाह ऐसे ही सबको बच्चे दे जो अपने माँ बाप के इतना ख्याल करने वाले हो। तो फिर वो सब गाड़ी वाड़ी रेडी करके अभी ये लोग घर आए, आके देखे तो बोलते मम्मी पैक हो गया क्या? मैं बोले अच्छा तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं? तो बोले नहीं हमारे बाप की नौकर नहीं है ना आप हमारी मम्मी है, ऐसे दोनों बोलने लगे। तो मैंने इनका बैग भी रेडी की, और एक बात बताओ मैंने इनको एक शर्त पे बोली थी, मैं एक शर्त पे आऊँगी अगर मेरे पिल्लू लोग भी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं अजमेर जाती हूँ, यहाँ दरगाह पे जाती हूँ तो बच्चों को यहाँ अकेले छोड़ के चली जाती हूँ, लक्ष्मी ध्यान रखती है उनका। तो बोले हाँ मम्मी हाँ हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है आपसे पहले। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहला तो मेरे पिल्लू लोग का दिखाती हूँ आपको, ये मेरे पिल्लू लोग का तख्त तैयार करी हूँ और उनके कपड़े अभी टाइट करके मंगाई हूँ दोनों के। तो ये सब उनकी तैयारी करी, इनकी तो हो गई, इनकी तो मेरे को लेकिन इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिलहाल तो अभी रात का 1:15 बज चुका है, और माशाल्लाह मुझे बोले अर्ली मॉर्निंग निकलना, तो मैंने इनको बोला नहीं फजर की नमाज़ के बाद ही मैं निकलूँगी। तो बोले ठीक है चलो हम लोग भी आज नमाज़ पढ़ के ही निकलेंगे सुबह। तो बस ये जब ब्लॉग आए तो आप ये हमेशा, ये ब्लॉग तो बाद में आएगा, बट दुआ करना कि जब भी जो कोई सफ़र पे जाए तो बस ये नमाज़ वगैरह पढ़ के ही निकले, कि अल्लाह हिफाजत करे सबकी। और बस अभी तो फ़िलहाल यही है, मैं भी बहुत खुश हूँ। सुर-सुर करके चाय मस्त सुर-सुर करके चाय पीने से मज़ा आती है ना, बहुत मज़ा आता है चाय में, ठंडी में ऐसा सुर करके चाय पीने, वही उसको बोलने जानते हो कितना बदमाश है ना ये। मस्त हम लोग सुबह सुबह उठे, लेकिन हम लोग का प्लान थोड़ा सा वो हो गया ख़राब, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे। एकदम मतलब सुबह की जो पहली किरण होती ना, वो हम लोगों को रास्ते में लेना था, लेकिन थोड़ा हो गया लेट। अब लेट हो गए, लेट मतलब फजर की नमाज के बाद, जैसे कि अभी नमाज आपको पता है 6:15 बजे की रहती है, तभी उठे। यही उठा और मम्मी उठे नहीं तो उठे। फिर सब पूरा सुबह की जो भी नमाज है, जो भी पारिक हुए, नहाए धोए। और मुझे तो चाय के बिना मैं निकलूँ नहीं कहीं भी, तो मैं अपनी चाय पी रही थी। तो बोलता है रुको मैं तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। तो मैं बोली क्या बोलूँ सुबह सुबह, कुछ नहीं कुछ तो बोलो ना, थोड़ा सा ऐसा बोलता है मुझे। हम लोग की तो हो गई तैयारी, अभी पीनट और इनको चिंटू को खाना भी खिला दी मैं। अब बस दुआ करो कि कहीं रास्ते में पॉटी नहीं करे, क्योंकि वेट कर रही हूँ कि ये पॉटी कर ले वे। अब नहीं भी करे तो इनका मैंने सारा सब इंतज़ाम करी हूँ, और अभी आपको आज दिखाऊंगी मेरी पॉटी, ये पीनट और चिंटू कपड़ों में कैसे लगते, ठीक है। बेटे ने सुबह सुबह दोनों ने क्या सब पूरी इनकी ट्रिप तो इनकी तरफ से ही है। और देखो अली सुबह जाके नारियल पानी, और मुझे क्या पसंद है अली बता, 5 रुपए वाले जो मुरमुरे आते ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे बैग भर के लिया, नारियल पानी लिया, मेरी तो मज़ा है। मेरे बच्चे लोग तो मस्त पार्टी दे रहे हैं मुझे। और देखो एकदम पार्टी वाले सारे, मेरे को एक भी इन लोगों ने ना साड़ी ना ड्रेस कुछ भी लेने नहीं दिया। मैं निकाली थी इतना अच्छा ड्रेस, तो भी बोलते नहीं ये नहीं लेने का आपको। हाईवे वाला रास्ता है ना। आ जाइए आप भी। थैंक यू सो मच, आप वेलकम करने के लिए। कहाँ पे ये एक्चुअली आपका? ये फिशरमैन विलेज रिसोर्ट है, ये माकुलसार में पालघर। और स्पेशल ट्रीट मुझे मिलने वाला है, और इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। और यहाँ के मैनेजर और समथिंग सब करता रहता मनीष, जो जबान है बहुत मीठी है, तो उसी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो थैंक यू सो मच मनीष, और या थैंक यू सो मच। आपने ये प्लेस कंसीडर की, आपका जो डिजिटल प्रेजेंस है कंप्यूटर का, बहुत ही काफ़ी लोगों को आप इन्फ्लुएंस करती हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, वो देख के आपने प्लेस चूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका स्टे मैं बहुत अच्छा बना सकूँ, ये आपके कैप्टन है, ये सर्विस करेंगे। अच्छा ये संजय, अब सर बोल दी मैं, लेकिन सर नहीं है, ये मेरे बेटे की उम्र जैसे ही लगते हैं। और आपको सबको पता है कि मैं कभी भी अपने बच्चों की उम्र के बच्चों को अपना बच्चा ही समझती हूँ। बच्चे ही मैम या, और नहीं आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई की उम्र वाले हो, और आप हमारे बच्चे जैसे हो। तो जैसे मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और मनीष थैंक यू सो मच। थोड़ा जो आप नॉर्मली पीती रहती है हमारा कोकोनट वाटर भी हमने आपके लिए मंगाया है। मैंने खुद कैरी कर लाई है, ये देखो। वो भी मैंने स्टोरी में देखा आपके। लेकिन ये कैसा है, हम आपको कोकोनट में देंगे, आप इसको थैली में लेके। अच्छा आप मतलब पूरी तरीके से सर्च कर लिए हो। अली ने और आमीन ने ये जो अरेंजमेंट किए थे, तो माशाल्लाह जब उन्होंने नाम बताया कि आमीन सायरा सत्तानी, तो बोले ओ मैम, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। और अली तो उनका अली के जो इंस्टाग्राम की पेज है, जो ट्रैवल्स की बिजनेस पेज, तो अली ये सब जगह पे टच में रहता है। बट वो इतने हैप्पी हो गए और वो खुद वेलकम किए और मुझे बताने लगे कि मैम यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो मैंने बोला चलिए मैं भी थोड़ा सा, बिकॉज अभी पहुँचने में हमको लेट हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट खाने का मन हुआ तो मैंने उनको ऑर्डर की। और जब तक मैं बोली चलो थोड़ा सा यहाँ जो घूमने की जगह बच्चों ने सिलेक्ट किए तो मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि कभी आपका भी मन हो तो आप आ सकते हो। तो मैंने देखा यहाँ फैमिली रूम, कपल्स रूम और ऐसे 3 मेंबर्स के रूम भी अवेलेबल हैं, जो अपने बजट में आप इसको कर सकते हो गेम। और स्विमिंग पूल देखिए बहुत अच्छा है, मस्त है। और मैं तो फुल एंजॉय करने वाली, क्योंकि मेरे दोनों बेटों ने मेरे लिए ये अरेंज किया है, मुझे सरप्राइज़ पार्टी दी है। तो इंशाल्लाह ये तो मैं अपने बच्चे जो मेरे लिए करे हैं उसका तो थैंक्स बोलती हूँ। और स्पेशली मैं हर जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, हालांकि मेरे ब्लॉग सब पेरेंट्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो मैं स्पेशली ये जो मैसेज है बच्चों के लिए देना चाहती हूँ। जो भी बच्चे देखते हैं तो आप भी अपने पेरेंट्स को इसी तरीके के सरप्राइज़ दीजिए और हर दुख हो या सुख हो अपने मम्मी डैडी को, अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट कीजिए। और जब आप सपोर्ट करते हो ना तो माँ बाप जो होते हैं ना वो हर गम से बाहर निकल जाते हैं। और जब माँ बाप को, अब ये माँ बाप के लिए जो आपके बच्चे अगर कुछ भी गलत भी करें तो उस टाइम आप मत गुस्सा कीजिए, उनको अच्छे से समझाइए, क्योंकि ज़बान जो हमारी होती है ना वो बहुत बड़ा काम करती है। तो इसीलिए माँ बाप से भी ये स्पेशली मेरी मैसेज है कि अपने बच्चों को एकदम पोलाइटली लीजिए, जैसे मैं लेती हूँ मेरे बच्चों को। और आज बच्चों की बारी है, आज इन्होंने साबित कर दिया कि जो मैं इनके साथ में बिहेव रखी हूँ वही बिहेव इनके अंदर आ चुका है। तो थैंक यू बेटा। बेटा ना मेरे जैसे ऐसे उठने की कोशिश कर रहा हाइट में, ये इसकी हाइट बहुत कम है ना, हाइट वाला हमारी शूटर है। और अभी हम लोग जो जहाँ पे आए हैं थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए, और ये इसका क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है, मेरे बेटे ने किया सब, मैंने भी किया हूँ क्या अकेले को दे रहे। तो ये फिशरमैन है ना अभी, हाँ, और ये देखिए ना यहाँ जो क्या व्यू है। खाना खाने के लिए हम बैठे हैं अभी, दोपहर आफ्टरनून का व्यू तो देखिए, मुझे तो बहुत माइंड फ्रेश हुआ है। और आप सबको पता है कि मैं इस चीज़ में, अगर मेरा माइंड फ्रेश हो रहा है और मैं बोल रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह आप दुआ ही कीजिए। और चलिए अब खाना खाते देखते हैं। हाँ चलो खाना। और एक बात बताऊँ आपको, ये जहाँ ये मेरे बेटे ने सिलेक्ट किया है, तो ये लोग मेरे ब्लॉग एंड वीडियोस ऑल देखते हैं, तो इन्होंने स्पेशल ट्रीट दिया है मेरे लिए। और बहुत सारे मतलब खाने की और रूम्स की सर्विस, खाने की सर्विस, और अभी जो हम खाना खाने वाले वो सारा खाना भी इन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया है। तो इनका भी थैंक्स बोलती हूँ मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए, और दिखाती हूँ कि इन्होंने स्पेशल मेरे लिए क्या अरेंज किया है। और ये इनकी तरफ से ये हमारे लिए स्पेशल हमारे लिए आए हैं, मतलब हमारे सर्विस के लिए बोलते हैं। या मैंने तो इनको बेटा बोल दिया, वो सब सर्विस वर्विस पता नहीं। और ये मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया, आप अपने तरफ से सारी चीज़ें अरेंज करें ना। तो ये है स्पेशल दाड़म फिश, जो आपको पता है कि दमन और सूरत में ये हम खाते हैं ना। और इसके बाद ये कौन सा है, बोम्बिल, एंड सेकेंड वाला सुरमई। ये इतना बड़ा सुरमई का पीस है, और ये यहाँ पे फिश के लिए तो स्पेशल जाने जाते हैं ना। चलिए तो मैं तो खा ही रही हूँ, तो आ जाइए मुझे देख के भी आप। खाना तो मस्त हो गया, तो थोड़ा सा मैं ऐसे वॉक ले रही थी तो मेरी नज़र यहाँ पे गई, तो जो हमारे लिए कैप्टन है, जो हमारे अभी ये सब हमारी देखभाल जो कर रहे हैं स्पेशल कैप्टन, मैं अभी आपको दिखाती कौन है। तो यहाँ पे मैं गुजरी तो मैंने उनको पूछा संजू ये क्या है, तो बोले कि क्या बोला इन्होंने, ये क्या है संजू सर, ग्लास का ये बोट हाउस करते हैं, बोट हाउस है यहाँ का। और मुझे यहाँ का ये जो इंटीरियर है बहुत अच्छा लगा। एम्प्टी बॉटल जो हम लोग गार्बेज में डाल देते हैं और इन्होंने इतना अच्छा यूज़ किया है, बिल्कुल तुम्हारी सायरा आंटी जैसा। कुछ ना कुछ करते रहती है ना उसकी तरह, इसीलिए मेरी नज़र इस पर पड़ी और मैं रुक गई। तो बोट हाउस चलिए अंदर से भी देख लेते। और ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे से हम लोगों को ध्यान रख रहे हैं संजू, जो आ जाइए। बोट हाउस का रूम है ना ये, बेडरूम बहुत अच्छा रूम है। ये बोट से ऊपर जैसे अपन लंच डिनर जो भी रहेगा वो कर सकते हैं। वेरी नाइस फैमिली वगैरह में जाता ना हमारा लोग, जैसे विला टाइप होते हैं, विला करते हैं ना उस टाइप के मैक्सिमम लोग के लिए विला ही जैसा है वो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे वो रूम से भी ज्यादा ये बेटर था, बहुत अच्छा है। शाम का एटमोसफेयर है यहाँ का। और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि पूरा इनकी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है और हर चीज़ का यहाँ पे मतलब आपको इंतज़ाम मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी रूम्स भी देखे और एक रूम मैंने स्पेशली पर्सनली दूसरा एक रूम देखी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मेरे मेम्बर्स बढ़ जाएंगे तो शायद मैं वही रूम में आऊँगी, विला टाइप है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे कैप्टन साहब ने हमको दिखाए थे। तो अभी मुझे यहाँ इतना प्यारा लग रहा है तो मैं बोली कि चलो बोटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी खुद की प्रॉपर्टी की ये सब जो भी चीज़ है यहाँ पे इनके खुद का ही है। तो मेहनत करना था ये नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे तो लगा था मोटर वाली बोट है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेहनत करके घूमना पड़ रहा है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर लगता है मुझे किनारे पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सायरा सत्तानी की किस्मत पे मेहनत ही लिखा है और जब मेहनत करते हैं तो मिलना ही मिलना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं राउंड मार कर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक नज़र देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसको आदत नहीं है ना, और हम लोग मैं अभी कैमरे के सामने करीब बस वो कैमरा ही देखते रहते हैं। तो वही हम लोग कब से दोनों मैं और अमीर हंस रहे तो भाई कैमरे में क्या देखते तो ही कर रहा है। चलो अभी मैं यहाँ ये ब्लॉग का एंड इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बच्चे जो अरेंज करें, आप सबको भी पता है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है कि बच्चे ये सब चीज़ें क्यों करें। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मेरे बच्चों को कि अपनी मम्मी के दुख में उन्होंने एक रोशनी, मतलब ठंडी रोशनी, एक खुशी की रोशनी लाने की कोशिश की। और आप यकीन कीजिए ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह मुझे लगता है आप जब ये देखोगे कि हमारे बच्चे ये चीज़ करते हैं तो शायद आप भी बहुत खुश होंगे। आप लोगों ने तो हमेशा मेरे बच्चों को दुआ ही दी है और ये देखकर भी मुझे ऐसा लगता है जब एक माँ दुआ दे सकती है तो आप भी ज़रूर दुआ दोगे। क्योंकि मुझे जो मेरे अमीन को फ़ोन आते रहते, सिंगल्स मदर्स लोगों का काफ़ी फ़ोन आता है जो मुझे बात करना चाहती है, तो मैं काफ़ी लोगों से बात करी और काफ़ी लोगों से अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप समझोगे कि जब बच्चे सिंगल मदर हो तो आप समझोगे कि हमारे बच्चे जो हमारे लिए करते हैं बहुत बड़ी बात है और बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे इतने बड़े बच्चे हमारे लिए ये उम्र में। और ऐसी जो चीज़ें होती है ज़िंदगी में, इसको इग्नोर करके हमको प्यार करते हैं, हमको अप्रिशिएट करते हैं और हमको हमारे साथ अपने साथ ज़िंदगी जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हम बहुत किस्मत वाले कि ऐसे बच्चे हमारे नसीब में हैं। और रही दूसरी बात, बस मैं ब्लॉग यहीं एंड करूँगी क्योंकि आप देख रहे हो मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठी हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतना मेरा माइंड फ्रेश हुआ। तो मैं अभी ये पूरा वक्त बच्चों के साथ ही गुजारना चाहती हूँ, कुछ पल और कुछ बातें, कुछ बीता हुआ कल, कुछ आने वाला वक्त का जो भी हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर बच्चों के साथ मैं यहाँ बैठ के टाइम एक्सपेंड करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल के ब्लॉग में, अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कल के ब्लॉग का क्या है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में क्या करना है, पर इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि सब चीज़ें अभी अच्छी होने लगी है। तो आई होप सो कि जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ऐसे ही खुशियाँ लाए, और अचानक से लाए। दुख तो आते ही है और तकलीफ़ें तो आती है, पर मैंने ये हमेशा ये यकीदा रखा है जब हमको ज़्यादा तकलीफ़ अल्लाह देते हैं ना तो उससे डबल खुशियाँ देने की तैयारी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझे बहुत खुशियाँ देंगे। आमीन आमीन। और जिनके नाम नहीं लेना चाहती लेकिन अल्लाह से दुआ करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह खुशियाँ ही दे, और बस उनको भी जो भी वो चाहे अल्लाह उनको अता करे। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और अभी भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कुछ बुरा हो, क्योंकि एक है बस, समझ जाइए आप। चलिए अल्लाह हाफिज़।